So, देखो बिना खोले सर, बिना खोले मैंने पूरी लाइन चेक कर ली। अब क्या चाहिए आपको? हाँ बताओ, क्या ये यूट्यूब में वीडियो डाला है इसका? तो कैसे मिलेगा? पर ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, मैंने जेड एस मलिक से परचेस की है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना। मैं नंबर जेड एस मलिक का सर का दे दूंगा। मेरे को मत पूछना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर कॉलिंग मत करना, नहीं पूछना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, जवाब नहीं मिलेगा। मान लीजिए ये फ़ोन डेड भी है तो भी ये चेक करने के लिए कि पोर्ट नहीं बना रहा, कि DPDM चेक करना पड़ता है कि भैया देख लूँ कि पोर्ट नहीं बना रहा है, DPDM की सप्लाई सही है कि नहीं है, क्योंकि DPDM के पर रीडिंग ही नहीं आएगी तो क्या ही पोर्ट बनाएगा वो, है ना? तो इसके लिए हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? यार एक नया वीडियो फिर से, और एक ऐसा वीडियो जो मुझे नहीं लगता आप पूरे यूट्यूब में कहीं है। अगर है तो कमेंट करके बताइए और लिंक भी दीजिए प्रूफ के साथ कि सर ये देखो ये वीडियो है, प्रूफ देना भाई अगर ये है। और ये वीडियो मेरे वीडियो आने के पहले का होना चाहिए, तो फिर मैं बताऊँगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट यार मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आज तक कहीं किसी ने बनाया नहीं होगा। और दोस्तों इसलिए ना, इस वीडियो के लिए, ये नॉलेज देने के लिए, और ये पेड कंटेंट है भाई। एक इंस्टीट्यूट के बाद तो ये नॉलेज ही नहीं होते, जो 30 40 50 बच्चे पढ़ाते हैं उनके पास भी नहीं है, और जो सस्ते हैं उनके पास तो कुछ, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। वो मतलब एक क्या ही बोले, अब कुछ नहीं बोल सकते दोस्तों। ये है ना, ये होता है, आप देखिए इसको चार्जिंग कनेक्टर, इसको ये चार्जिंग की टेस्टिंग कनेक्टर है, दिस इज चार्जिंग टेस्टिंग कनेक्टर। और ये आईफोन का भी आता है, मेरे पास रखा हुआ है, मिल नहीं रहा है, मैं एक आईफोन उसके लिए डेडिकेट वीडियो बना दूंगा। सो फिलहाल मेरे पास एंड्रॉयड वालों के लिए है। सो एंड्रॉयड वालों देख लो, यहाँ पर 5 पिन का यूनिवर्सल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर टाइप सी दिखाई दे रहा है। मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई कस्टमर का आया, और कस्टमर आने के बाद कस्टमर बोलता है कि सर इस फ़ोन का ना CC ख़राब हो गया है, या मुझे इस फ़ोन का DPDM चेक करना है, तो उसके लिए आपको पूरा फ़ोन खोलना पड़ता है ये वेरीफाई करने के लिए कि ख़राब है कि नहीं है। मान लीजिए ये फ़ोन डेड भी है तो भी ये चेक करने के लिए कि पोर्ट नहीं बना रहा, कि DPDM चेक करना पड़ता है कि भैया देख लूँ कि पोर्ट नहीं बना रहा है, DPDM की सप्लाई सही है कि नहीं है, क्योंकि DPDM के पर रीडिंग ही नहीं आएगी तो क्या ही पोर्ट बनाएगा वो, है ना? तो इसके लिए आपको ये फ़ोन अब खोलने की ज़रूरत नहीं है, और आप ये जो है ना ये परचेस कर सकते हैं। अब ये कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, बट ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, मैंने जेड एस मलिक से परचेस की है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना। मैं नंबर जेड एस मलिक का सर का दे दूंगा। नहीं मिलेगा हमारे, ऑलरेडी हम बहुत ही वैसे ही लोगों के फ़ोन उठा उठा के परेशान हो जाते हैं जो एडमिशन के होते हैं, और हमारे पास प्लीज़ इन सब के लिए कॉल मत करना। ये जेड एस मलिक सर का डिपार्टमेंट है और वही ये सब बेचते हैं, तो उनको नॉलेज होगी, तो आप उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट या कॉल कर लेना, ठीक है? सो आइए इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में ये कारगर है, ये बहुत यूज़फुल है। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मैं सच बता रहा हूँ। और ये जो चिप है ये ज़्यादा महंगे नहीं है, 100, 200 या 300 रुपये के होंगे, हार्डली क्या ही होंगे। अब देखिए आइए इनकी टेस्टिंग करते हैं। सो आप सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको है ना ये वाला दिखाता हूँ। सो ये नोटिस करो, ये यहाँ पर आप देखिए 5 नंबर लिखे हैं, यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा होता DPDM ये सब कुछ। सो ये 1, 2, 3, 4, 5 सो आपका 1 या 5 में से कोई एक ग्राउंड होगा, तो जो ग्राउंड होगा उससे हम फिर प्रोटोकॉल सेट कर लेंगे। अगर ये ग्राउंड है तो ये एक बीबस होगा, बीबस के बाद डाटा माइनस, फिर डाटा प्लस, फिर ID, और ID के बाद आपका ये। और आप इसको देखिए दोनों साइड से चेक कर सकते हैं, तो दोनों साइड ये दिया हुआ है। आइए सबसे पहले इसको चेक करते हैं। सो देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर जो यूज़ कर रहा हूँ, अपना यूनिक का मल्टीमीटर यूज़ कर रहा हूँ, यूनिटी जो सबसे ब्रांडेड और इंडिया का सबसे मोस्ट टॉप मल्टीमीटर है। इसकी वैल्यू तकरीबन 10,000 रुपये है। इस मल्टीमीटर के बारे में भी वीडियो चाहिए तो बताइएगा, क्योंकि दोस्तों जो पीला कलर का मल्टीमीटर यूज़ करते हैं ना उनकी नॉलेज वो 100 रुपये वाली है, मैं सच बताऊँ तो। बट ये आपके लिए नहीं है, ये एटलीस्ट टीचरों को या इंस्टीट्यूट को पीले मल्टीमीटर को यूज़ नहीं करना चाहिए। अब मान के चलिए दोस्तों इस फ़ोन में मैं नीचे का आप देखिए, तो ये मैं ओपन नहीं करूँगा, और बिना ये ओपन किए हुए मैं ये चेक करूँगा कि इस पर DPDM आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कहेंगे सर हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं, भाई सर यहाँ तो बोर्ड का आएगा ना, यहाँ पर इसका थोड़ी ना आएगा, हो सकता है ये बोर्ड का यहाँ पर ना जाए। सो ये दिमाग ना लगाइए, आप इसको खोलना ही खोलना पड़ता है। सो अब इसको खोलना ना पड़े
तो एटलीस्ट मैं आपको एक जुगाड़ दे देता हूँ। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है इस तरीके से, आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है। और अब मैंने इसको यहाँ लगा दिया इस तरीके से। अब आइए इसको मल्टीमीटर के साथ में चेक करते हैं। यहाँ पर हम इसको रखेंगे ओम्स मोड में, तो यहाँ पर मल्टीमीटर को रखेंगे हम डायोड मोड पे। सो पहले मैं बीप सुना देता हूँ। तो पहले मैं ना बजर मोड पे रखना चाहता हूँ, और हालांकि ये मेरा उसमें भी बजर देता है डायोड मोड पे, तो नोटिस कीजिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्राउंड पे रख रहा हूँ और एक यहाँ पे रख रहा हूँ कि कौन सा यहाँ पे मेरा माइनस है। तो एक या पाँच में एक ही में रखूँगा मैं, ये देखो अब पाँच नहीं आना चाहिए, ये कोई सा, तो मतलब इसका मतलब है कि ग्राउंड मिल गया। तो ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा ग्राउंड है, तो ये मेरा बीबस होगा। तो अब मैं यहाँ पर कोल्ड टेस्टिंग करूँगा। आपको पता ही होगा कोल्ड टेस्टिंग डायोड मोड पे होती है, नहीं पता तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, कोल्ड टेस्टिंग क्या होती है। सो ये कोल्ड टेस्टिंग करूँगा मैं, रेड प्रोब को ग्राउंड पर रखूँगा। आप ग्राउंड चाहें तो फ़ोन पैक है ना, तो यहाँ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वहाँ रखना है। तो मैं यहाँ रखूँगा, आप नोटिस करो, और यहाँ पर चेक करूँगा। तो मुझे जो रीडिंग आनी चाहिए अब वो रीडिंग नोट करो, ये देखिए। तो इसका मतलब बीबस ओके है, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, एटलीस्ट उस पर कोई लीकेज नहीं है, और OBP से इसका जो लाइन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद में ये हो गया पाँच नंबर, तो चार नंबर आपका हो जाएगा डाटा माइनस की लाइन, तो यहाँ पर लाइन आनी चाहिए, ये देखिए। अब GR आ रहा है तो इसका मतलब है कि D माइनस एकदम ओके है। वोल्टेज का अभी चेक नहीं किया है, वोल्टेज चेक करने के लिए फ़ोन को ऑन कर सकते हैं, बट अभी मैं वोल्टेज चेक नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर GR चेक कर सकते हैं आप। अब देखिए तो डाटा प्लस भी ओके है, और ID मतलब आपका फ़ोन OTG को सपोर्ट करता है, कितना सही है ना। आप इसको रिवर्स मोड पे भी GR उठा सकते हैं, और ये चेक करने के लिए ये देखिए हज़ार के ऊपर मतलब कोई लीकेज नहीं आपके फ़ोन में, और कितना सही प्रोडक्ट है यार, एकदम बिल्कुल जेन्युइन। अब हम टाइप सी यूज़ करेंगे, ये देखिए ये K20 है, बैटरी निकाल दी है। इसमें भी नोटिस करो, अब थोड़ा टाइप सी को दिखाता हूँ मैं पास से। आप देखो कि यहाँ पर A दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको टाइप सी का कनेक्टर पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लो, क्योंकि जितने भी YouTube में डले हैं 90% वो वीडियो गूगल छापे या कॉपी पेस्ट है, जो एक्चुअल नॉलेज है वो मैंने वीडियो में दी है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ दोस्तों, देखना ज़रूर। यहाँ पर देखो, अगर मैं कनेक्टर को ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं A सिरा यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं कनेक्टर को ऐसे यूज़ कर रहा हूँ ऐसे, तो इसका मतलब मैं कनेक्टर का पूरा बी सिरा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो नोटिस कीजिए, तो यहाँ पर 12 पॉइंट है, तो इसमें से B12 आपका ग्राउंड होना चाहिए, और इवन यहाँ पर हम B1 भी देखें तो ग्राउंड होना चाहिए, दो तो ग्राउंड होते हैं यहाँ पर। तो आइए चेक करते हैं मल्टीमीटर के साथ, देखिए। तो अगर मैं बजर मोड पे रखा है B1 और B12, ये देखिए दोनों ग्राउंड है। अगर मैं यहाँ कूल टेस्टिंग करूँ, नोटिस कीजिएगा, कूल टेस्टिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेबल को भी सजा देता हूँ, ये देखिए अच्छा लग रहा है, तो हम भी बन गए बड़े यूट्यूबर। ग्राउंड, अब यहाँ पर आप नोट कर लेना हो, ये कॉपी में नोट कर लो कि जो B6 है और B5 है, ये जो आपके दो पैड हैं B6 B5, ये आपके DPDM है, ठीक है। तो इस पर GR देखना है, ये देखिए, तो ये DPDM की लाइन है, क्योंकि दोस्तों जो B4 है वो बीबस होता है, अच्छा B6 और B7 है, सो B4 बीबस होता है। फिर इसके बाद में CC1 आ जाता है, ये CC1 ये चार्जिंग डिटेक्शन की लाइन है, और ये आपका डाटा माइनस, ये डाटा प्लस। सो डाटा माइनस डाटा प्लस यहाँ पे मैंने बता दिया है, ये दोनों डाटा माइनस डाटा प्लस वाले पैड हैं, कोई भी एक हो सकता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से चेक किया है, और ये मेरा ग्राउंड है। सो देखो, बिना खोले सर, बिना खोले मैंने पूरी लाइन चेक कर ली, अब क्या चाहिए आपको, हाँ बताओ, क्या ये यूट्यूब में वीडियो डाला है इसका? तो आपको ये वीडियो देने के लिए, आपको ये नॉलेज देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, क्योंकि अभी तक टाइप सी कनेक्टर और ये इस कनेक्टर का अभी तक किसी ने वीडियो नहीं बनाया है। मैं पहला पर्सन हूँ जिस पर वीडियो बना रहा हूँ, और ये भी परचेस करना है तो ZX Bilix सर से ही परचेस करना, बाकी मुझे नहीं पता कौन बेचता है सो इंडिया में। और तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। एंड कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटेड,
एंड थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।